हमारी करंट अफेयर की क्लास शुरू हो रही है बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप सबका स्वागत है और ध्यान से करंट अफेयर जो है हमारे रोजाना लगाइए और रोजाना आपके लिए जो है वो करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूँ करंट अफेयर की क्लास को जो रोजाना प्रॉपरली लगाइए पहला सवाल हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है जल्दी से बताएं हु विन द टैगोर लिटरेरी अवार्ड इन पांडे पुष्पा भारती पिता पॉल एंड कोई नहीं ऑप्शन क्या रहेगा ए बी सी डी बहुत बढ़िया से सभी अपना अपना आंसर जो है वो देखते रहे, देते रहे बहुत बढ़िया जी आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सुक्रिता पॉल सुक्रिता पॉल जो है वो सी ऑप्शन एक्यूरेट प्यारे बच्चों प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार में अभी आलोचक सुकृता पॉल कुमार को अपनी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम्स पोएम्स के के लिए छठा पुरस्कार प्राप्त करता नामांकित किया है के प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व शांति साहित्य कला शिक्षा और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने वाले दुनिया भर के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए को मान्यता देता अगला सवाल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप दो से आंसर करें महिला एकल का खिताब किसने जीता है महिला एकल का खिताब किस है टाइटल द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 करेक्ट आंसर रहेगा अनमोल खरब। अनमोल खरब जो है बी ऑप्शन का सही आंसर रहेगा थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं अनो अनमोल जो खरब है ये गुवाहाटी में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल क... एकल का खिताब जीता है और पुरुष एकल खिताबी मुकाबले में उलट फेर देखने को मिला क्योंकि प्राप्त प्राप्त चिराग सेन ने चौथी एम को हराकर राष्ट्रीय खिताब हासिल की अगला सवाल कोटक या कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है Who has been appointed as the new chairman of Kotak Mahindra बैंक? सभी आंसर कमेंट करते रहिएगा करंट अफेयर से जुड़े हुए सवालों के लिए बहुत बढ़िया जी सी एस शर्मा बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बहुत बढ़िया है जी करेक्ट आंसर रहेगा सी.एम. राजन डी ऑप्शन सी.एम. राजन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चों सीएम एम राजन का सही आंसर है बैंक के के पार्ट टाइम अध्यक्ष रूप में सीएम राजन की नियुक्ति की गई है यानी कि पार्ट टाइम है फुल टाइम नहीं है एक बात याद रख लीजिए कौन से है पार्ट टाइम भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी मंजूरी दे दी है और राजन वर्तमान में बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य भी करेंगे और एक जनवरी यानी कि आज से जनवरी 2024 से ये प्रभावी हो गए हैं और इनकी अवधि जो है वो अक्टूबर तक राजन की वो रहेगी बा, बाईस अक्टूबर 2024 हजार चौबीस बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र आ रहे हैं अच्छा कि इस वक्त जो है इनकी ओ, जो अवधि है तक चलेगी वो है चलेगी राजन ने 22 अक्टूबर 2022 बाईस से बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र अच्छा ये पहले से भी बोर्ड में है प्यारे बच्चों ये एक आ, कौन से बोर्ड में है 2022 से हैं बैंक के बोर्ड में लगे हुए हैं और वहां पर निर्देशक के रूप रूप में जो है भूमिका निभा रहे हैं अब जो है वो सीएम राज, राजन जो है पार्ट टाइम अध्यक्ष बनेंगे महिंद्रा कोटक बैंक के ये बोला गया है अगला सवाल देश का पहला एआई सिटी शहर किस राज्य में बनाया जाएगा बनेगा गलती से आंसर करें देश का पहला एआई शहर किस राज्य में बनेगा केतन बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया जी आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में बनेगा भैया कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला एआई शहर स्थापित करने के लिए तैयार है इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता ए आई की बात कर ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना अत्याधुनिक की धान केंद्र और शैक्षणिक स्थानों की को एकीकृत करना ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य में कार्यवल को पोषण भी किया अगला सवाल इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है सभी आंसर दीजिएगा सभी आंसर कर सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो तो रहेगा तोरा खेमम गांभनी को तो ये जो है उनको चुना गया है साहित्य अकेडमी पुरस्कार में और ये प्रसिद्ध त्रिपुरा से जुड़ी हुई है त्रिपुरा के प्रसिद्ध मणिपुरी कवि चोरा खैपम खे, गंभनी को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है ये पुरस्कार उनकी काव्य पुस्तक पुस्तक डांच ना, नाग के लिए दिया जाएगा इसकी है इसका नाम भी याद रखिए बहुत काम की और ये 24 साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है 24 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की ट्रॉफी जीती है कौन सी यूनिवर्सिटी ने जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की ट्रॉफी जीती है जल्दी से आंसर करिएगा इलाहाबाद है बनारस है गुरु नानक देव है या कोई नहीं बिल्कुल सही है निकेतन गुरु नानक देव विश्वविद्यालय हो नहीं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी ये के चुरुंजा साल के इतिहास में 25वीं बार जो है भारतीय खेलों में सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीत कर एक बार फिर इतिहास रच दिया है और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो 9 जनवरी 2024 9 जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं अभी आने वाले तो राष्ट्रपति भवन में देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है माका ट्रॉफी का आयोजन भी करेगा जी नेक्स्ट कर देखिएगा किस केंद्रीय मंत्री ने दो द्विश... जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन की किसने किया है ये आदि व्याख्यान का उद्घाटन करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल सही है निकेतन बिल्कुल सही अर्जुन मुंडा ये ऑप्शन अर्जुन मुंडा जो है बिल्कुल सही आंसर है बच्चों बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही आंसर डी ऑप्शन केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं ये अर्जुन मुंडा पहले तो ये भी याद रखना है कि ये अर्जुन मुंडा हैं कौन केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं और नई दिल्ली में दो दिवसीय जनजाति केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया और क्या किया है कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान एन द्वारा किया गया था का उद्देश्य क्या है कि जनजातीय परंपराओं और संस्कृति जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों को, को पता लगाना है पता लगाना है चुनौतियों का पता लगाना या सिल्क रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार भारत में काम करने सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है सिल्क का काम करना है तो रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अच्छा वाला राज्य कौन सा है जहां पे सिल्क का काम बहुत ही अच्छे से किया जा सकता अपना अपना। रहेगा वो है केरल केरल को पसंद किया है जी इंडिया सिल्क रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 में कहां पे केरल भारत में काम कर के लिए केरल सबसे पसंदीदा राज्य बना है क्या सिल्क रिपोर्ट्स 2024 में केरल के दो शहर कोची और तिरबंदपुर भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर उभरा अगला सवाल चेन्नई ग्रैंड मास्टर दो जात्रे का खिताब किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब है जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा करेक्ट आंसर रहेगा डोम तो मारा राजू केश जो तो है ये नई ग्रैंड मास्टर दो जात्री आवे क्या है मिला मिलेगा और क्या है टूर्नामेंट अर्जुन री गै, गै, गैसी ने दूसरा स्थान हासिल किया है और अर्जुन मुकेश ने दोनों ने प्रतियोगिता में वो सात चार पॉइंट पाँच अंक हासिल किए हैं और केश ने ट्राई ब्रेक पर ये टूर्नामेंट जीत अगला और लास्ट सवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज कौन बने दूसरे ज़्यादा रन बना बल्लेबाज कौन बने सभी आंसर करिएगा करेक्ट आंसर रहेगा वो है डेविड वार्न, वार्नर डेविड वार्नर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है ये है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए वार्डनर पाकिस्तान के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज के उपलब्धि हासिल ये थे हमारे करंट अफेयर के क्लास और ये है आज का ऑफर ऑफर है आपका दस जनवरी तक रहेगा ये फिफ्टी परसेंट ऑफ है कोड यूज कर लीजिएगा की तैयारी करने वाले बच्चों एस एस सी जी डी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज पर टेस्ट सीरीज पर ऑफर है फिफ्टी परसेंट ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं चैप्टर टेस्ट मिलते हैं वो ले सकते हैं मॉक टेस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ पर कोड लगाकर जो है आप यूज कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज का आप आनंद ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती तो आप दिए गए नंबर पे पर कर सकते हैं तो आपकी वो जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करें सीरीज में आपको पूरे दस मॉक दिए जाते हैं सीरीज में आपको कुल पूरे दस मॉक जा रहे हैं आप पेपर में जाने से पहले एक बार खुद भी देखिए और दूसरा सभी टॉपिक वाइज़ यानी चैप्टर टेस्ट बोल सकते हैं चैप्टर टेस्ट अलग से दिए जा रहे हैं इसमें आपके सभी टेस्ट यानी एप्टीट्यूड मैं बात कर रहा हूं मैं इंग्लिश और साथ में जनरल नॉलेज कर देता हूं सब दिया जा रहा है आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी